लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, तो लेट्स सी हमारे टॉरस साइन के लिए क्या गाइडेंस है इस वीक की. थैंक यू वेरी मच टॉरस. One more time, please. And Shunya. All right. Thank you. ऑल राइट टॉरस, आपका पहला कार्ड है द मैजिशियन कार्ड, और ये इस वीक की मेन थीम है आपकी. और साथ ही साथ है हमारे पास अ टेन ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं आपके वो हैं द हर्मिट, एंड वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. मेन पोटेंशियल है आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड अ किंग ऑफ सोर्ड्स. एडवाइस है मेन आपकी थ्री ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मैं थोड़ा सा कार्ड को एडजस्ट कर लूँ. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास एस ऑफ कप्स. बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज टॉरस. एस ऑफ कप्स की ऊर्जा बिहाइंड द सीन में इस बारे में बात करती है कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो हो सकता है कि आपको पूरे तरीके से इस वीक में ना देखने को मिले, लेकिन यस, आप नियर फ्यूचर में ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लव में, रिलेशनशिप्स में, इमोशनल हीलिंग में, या फिर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है. ओके, तो आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं नियर फ्यूचर में, और उसके लिए जितना हो सके ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. ओके, मैं एक इमोशनल क्लैरिटी भी देख रही हूँ आपके लिए टॉरस. एक होता है ना कि इमोशनली हमें पहले पता नहीं होता कि हमको चाहिए क्या, और यू नो इमोशनल क्लैरिटी के आने से हमें अच्छे से पता चलता है कि भाई ये चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, तो मुझे ये काम करना है, फिर चाहे इसमें मैं कम ही क्यों ना कमाऊँ. तो जैसे ना वो इमोशनल क्लैरिटी होती है, तो वो भी मुझे आपके लिए एक अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है. ये एक किस्म का आशीर्वाद है, कह लीजिए कि एक किस्म का आशीर्वाद. ओके, सो बहुत ही प्यारी ऊर्जा टॉरस के लिए. मेन थीम है आपका द मैजिशियन एंड टेन ऑफ कप्स. तो मेन थीम है इस वीक की जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को मैजिकल बनाएं. ओके, मैजिकल बनाने के लिए पहले अपने आप अपनी जो मैजिकल एबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कवर करना होता है, राइट. तो ये वीक को डेडिकेट कीजिए अपने आप को और पूछिए कि मुझ में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं, और मैं अपनी लाइफ में इन खूबियों को क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या अपने इन टैलेंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ये सिर्फ बस पड़ी हैं, उनका कुछ मैं कर नहीं रहा. क्योंकि मैजिशियन बताता है यहाँ पर कि आप अपनी किस्मत के खुद विधाता बन सकते हैं अगर आप अपने सबसे ज़्यादा जो आपके भीतर ये टैलेंट्स, ये मैजिकल एबिलिटीज़ हैं, अगर आप इनको एक्नॉलेज करते हैं. क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होती है टॉरस, इस बात को प्लीज़ समझ के चलिए. किसी भी बड़ी डेस्टिनी को अनलॉक करने की जो शुरुआत है वो पहले एक्नॉलेजमेंट से ही होगी कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में ये टैलेंट है और मुझे इसे यूज़ करना है. तब हम अपनी ये जो वॉल्स खड़ी की हुई होती हैं इसको गिराने लगते हैं, राइट. तो यस, ये ऊर्जा है इस वीक की. टेन ऑफ कप्स यहाँ पर एक किस्म की इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में भी बात करती हैं. तो यहाँ पर आप किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी फील्ड में कोई कंप्लीशन देख सकते हैं, एंडिंग देख सकते हैं, और ये जो एंडिंग है ये बहुत सारी सेटिस्फैक्शन लेकर आ रही है, बहुत सारा रोमांस लेकर आ रही है, एक फन, एक क्रिएटिव एनर्जी चैनल हो जिसकी वजह से. तो बहुत सारे टास्क कंप्लीट होंगे इस वीक में,
और आप बहुत ज़्यादा संतुष्टि में रहेंगे। लेकिन सिर्फ मैं दोबारा से मैजिशियन से एक और गाइडेंस फिर से देना चाहती हूँ आपको कि जितना हो सके अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करो, फॉर गॉड सेक करो। आप में बहुत ब्रिलियंट एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, अब समय आ गया है उनके साथ कुछ करने का, एक्शन लेने का। ओके, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर रहे हो तो यस, ये वीक में आपको उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का जो ब्रिलियंट आउटकम है, ब्यूटिफुल आउटकम है विद द टेन ऑफ कप्स एनर्जी, वो देखने को मिलेगा। ओके, इससे भी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। मैं फॉर सम रीज़न बहुत हैप्पी हार्मोन्स की एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो ये सब हैप्पी बहुत रहने वाले हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके ब्लॉकेजेस में है यहाँ पर द हर्मिट एंड नाइट ऑफ वॉन्स। ये है कि थोड़ा सा थमना, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा है कि हो सकता है कि टॉरस हॉप 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 वाली एनर्जी में हो, एक काम किया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, जैसे बहुत हाई एक्टिव एनर्जी, और ये एनर्जी थोड़ा सा आपको थका सकती है क्योंकि हर्मिट है, थोड़ा सा रेस्ट भी लेना, जहाँ काम, जहाँ एनर्जी लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर एनर्जी लगाना, लेकिन जहाँ पर एनर्जी सेव की जा सकती है वहाँ पर एनर्जी सेव करना। और ये ब्लॉकेजेस में अगर ऊर्जा आई है तो ये ऐसी दिक्कत हो सकती है मेरे टॉरस की कि आप थोड़ी सी रेस्ट में अपने आप को रेस्ट ना दे सके, थोड़े से रेस्टलेस भी हो सकते हैं आप। ओके, हर्मिट से ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान नहीं टिक रहा एक चीज़ पर, एक चीज़ पर पूरा जो ध्यान जाना चाहिए, पूरी अटेंशन जो जानी चाहिए वो नहीं जा रही, तो थोड़ी सी डिटेल्स में चूक सकते हैं आप। तो अगर आपका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, मान लीजिए कोई पेपर वर्क साइन हो रहा है, किसी को आप प्रॉमिस दे रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है ना, क्योंकि डिटेल्स में हम चूक रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर कुछ बड़ा है इस वीक का आपका कोई प्लान, आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स मौजूद हों, और उसके लिए थोड़ा सा थमना होगा, पास एनर्जी में जाना होगा आपको। आपके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा। और ब्लॉकेजेस में एक चीज़ ये भी हो सकती है आपके टॉरस की, आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की भावना से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। खुशियाँ कितनी आ रही हैं देखिए आपके लिए, यहाँ भी है ना एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यस, अपने आप को जब कुछ नहीं भी मिल रहा होता है ना, तब भी हम्बल रखना चाहिए, तब भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। नाइट्स की ऊर्जा टैरो में बहुत हमें ग्रैटिट्यूड की भावना के बारे में सिखाती है। ओके, सो जितना हो सके आप यहाँ पर थैंक यू, थैंकफुल रहिए, जो चीज़ें जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी लाइफ में हैं उसके लिए कृतज्ञ रहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा आपको, तब वो मन में भय पैदा करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपका ब्लॉकेज हो सकता है। ओके, फिर है आपकी मेन पोटेंशियल किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर काउंटर पार्ट्स की एनर्जी है। सो पोटेंशियल में है बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड एनर्जी, एक ऐसा रोल, एक ऐसा डिसिप्लिन जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये 100% हमको 100% रिजल्ट देगा। ये है माने कि नो BS एनर्जी। क्वीन और किंग माने कि टू द पॉइंट, ये काम है ये कर दो, दैट्स इट। यहाँ पर कोई और तर्क वितर्क नहीं है चलाते, ये है बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को कोई फॉलो कर रहा है। और अगर डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो हम उसको नो कह पाएं, एक हद होती है ना, हम उस हद को नहीं क्रॉस करते। क्वीन और किंग उस पोटेंशियल में, ऊर्जा में बैठे हुए होते हैं, खास करके क्वीन ऑफ सोर्स तो माने की मतलब सीधी होती है इसकी तलवार, ये कहती है कि नो 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 नो, ये हद है, ये बाउंड्री है, यहाँ तक जितना आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो ठीक है, इसको पार करने की कोशिश मत करना। तो ये बहुत ब्लंट होती है, ये जब नो कहने की ज़रूरत है तो ये सेकंड भी नहीं सोचेगी, लेकिन ये नो बोल देगी। ये बहुत ब्लंट है, इसके लिए सारे इक्वल हैं। ओके, ये जस्टिस की ऊर्जा में तभी रहती है। सो यस, जितना हो सके इस एटीट्यूड में आने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर यस है वहाँ पर यस है, जहाँ पर नो है वहाँ पर नो है, वहाँ पर कि मैं देखूँगा, मैं सोचूंगा, वो मत करो। आप अपने ही माइंड में, अपने ही थॉट्स में फॉग की एनर्जी को फिर ऐसे भर रहे होते हो, जहाँ पर आपको जो बोलने की ज़रूरत है आप बोल नहीं रहे, तो थ्रोट चक्रा भी बंद होगा। ओके, सामने वाला भी आपको एक जो फेथफुल पर्सन के रूप में जो परसीव कर रहा है, वो फिर परसीव करना बंद कर देगा, वो आपको देगा कि हाँ ये कहीं थोड़ा सच कम बोलता है, क्योंकि वो हमारी ही ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो वो मत कीजिए यहाँ पर, जितना हो सके प्रैक्टिकल रहना है बेसिकली, ये इस वीक की पोटेंशियल है आपकी। तो मैं फिर से कह रही हूँ, कोई अगर सिग्नेचर वगैरह हो रहा है इस वीक में, साइन वगैरह कुछ कर रहे हो, बहुत ध्यान से आपको सब कुछ स्टडी करके, रीड करके ही सिग्नेचर्स देने हैं। ओके,
आपकी मेन एडवाइस में है थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स. तो यस, एडवाइस में आपको पहली एडवाइस यही दी जा रही है, काम वही कीजिए जिसमें सुख है, जिसमें खुशी है. सिर्फ पैसा देखकर अगर आप कोई काम कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी, वो पैसा भी टिकेगा नहीं. पैसा वहीं टिकता है जहाँ पर आप यू नो पूरी पूरी रूह के साथ वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, जिसमें आपको पता है कि ये पैसा मैं अच्छे कर्म अच्छे इंटेंशन के साथ कमा रहा हूँ. तो एडवाइस में यही है, वही काम, वही रिलेशनशिप, वही ड्रीम्स को फॉलो कीजिए जिसमें खुशी है, आपका भी उद्धार है, दूसरों का भी उद्धार है. एक गाइडेंस यहाँ पर एडवाइस में ये भी है आपके लिए कि अपने फाइनेंसिस के साथ भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए. आप हमेशा सेविंग्स भी नहीं कर सकते, कभी कभी आपको फन भी चाहिए होता है लाइफ में, आपको क्रिएटिविटी चाहिए होती है लाइफ में, कभी कभी आपको अपनी खुशियों पर पैसा खर्चने की जरूरत होती है. तो उससे डरिए मत, उससे अपने आप को वंचित मत रखिए, उससे अपने आप को अलग मत रखिए. ओके, एक एक चीज़ को कीजिए. ये भी पॉसिबल है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की के लिए यू नो आपको ये काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर घूमने जाइए, फन पार्टीज, यू नो अगर ये कि हल्की फुल्की एनर्जीज, लाइट हार्टेड एनर्जीज जो होती हैं, तो यस उनमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए, तो इस वीक में आप इंटरव्यूज़ के लिए यू नो कुछ एप्लीकेशंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है. ओके, ओवरऑल यहाँ पर रिलेशनशिप्स और करियर्स और करियर और मटेरियल वेल्थ के लिए बहुत आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि उससे आप पॉजिटिविटी को ही और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे. ओके, तो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर. लेट्स सी टॉरस के लिए और क्या गाइडेंस है. थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम प्लीज. एंड शून्य. ऑलराइट, अपॉर्चुनिटीज, यस 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 यस. हमारे पास है एंटिसिपेशन, अनुमान लगाना, आंकना, यू नो जहाँ पर हम वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पॉसिबिलिटी. आई थिंक इस वीक में आपकी दरअसल इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी टॉरस. तो यस, ये मेडिटेटिव स्टेट में दरअसल जाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप यू नो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, और वो निशाना लग सकता है बेसिकली आपका. तो वो ऊर्जा है. फिर है रोमांस एंड वी हैव प्रोटेक्शन. तो आप में से कुछ लोगों को एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस, खास करके आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है, वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं. कुछ लोगों को रोमांटिक लाइफ को एक तरोताज़ा करने को भी कहा जा रहा है. जितना हो सके देखिए कि आप कितने रोमांटिक हैं, क्या आप अपने पार्टनर को यू नो वो लव जो है वो जो जो एक रिलेशनशिप में देना चाहिए, क्या आप वो दे पा रहे हैं, या सिर्फ आप काम 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 इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं. तो यस, अपनी रोमांटिक लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए. ओके, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आप यू नो अमूमन प्रोटेक्शन के लिए काला टीका लगाना या फिर अपने ऑरा को क्लेंस करना, ये सारी चीज़ें करते रहिए. मुझे कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आपकी तरफ गलत एनर्जी भेज रहा है. इस चीज़ की इस वक्त आप जिस ऊर्जा में है, आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है खुद को. ओके, कभी कभी सिंपली हमें बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है. ओके, सो यस, ये प्रोटेक्शन की ऊर्जा है यहाँ पर. और न्यू अपॉर्चुनिटीज, इसको देखे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है. सो यस टॉरस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए. हमने बॉटम ऑफ द डेक में भी देखा यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो फिर से यही बताती है न्यू ब्लेसिंग्स हैं, कुछ नए मौके मिलेंगे आपको खुद को संवारने के, अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को संवारने के. उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिएगा, उनको यस कहिएगा. ओके, और कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने में भी आपकी इंट्यूशन आपकी मदद करेगी. वो आपको वो प्रोबेबिलिटी कि हाँ इसको करके मुझे इतना रिजल्ट मिल सकता है, ये करके ये चीज़ मुझे यहाँ पर लाभदायक यू नो मेरे लिए हो सकती है. तो वो सारी चीजें आपकी बहुत मतलब यहाँ पर आपके लिए कह लीजिए कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है ना फ्यूचर में आपके लिए अवेलेबल रखेंगे. तो जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. एंड यस, रोमांस में यहाँ पर अपना जो आप ऐड कर सकते हो, शेयर दे सकते हो स्वीटनेस, अपने पार्टनर के साथ वो शेयर करने की कोशिश कीजिए.
ओके सो यस, ये आपकी रीडिंग है टॉरस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।